मतलब जाति पे अभिमान करने की बात करो, बहुत से लोग कहते हैं हम अपनी जाति को गर्व करना चाहिए, गंदगी पे गर्व कैसे कर लोगे आप, कूड़ा सब कहेंगे कहोगे तो गर्व कर लो अच्छा लग रहा है मुझे। अगर दो गिलास पानी आपके सामने रख दिया जाए, एक गिलास पानी साथ में उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए और आपसे आपको कहा जाए पीजिए पानी, आप कौन सा गिलास पियोगे, जो सात गिलास का पानी आप उसे पियो और आप फिर भी जहर को पीजिए तो मरोगे बचोगे, आपको सबसे कौन बचाएगा, आपको दुनिया की कोई ताकत है ऐसे आपको बचा ले तो खुद ही मरने को तैयार है। इस समाज के लोगों ने भारत का इतिहास देखा, इस समाज के लोगों ने पाकिस्तान का संज्ञान देखा, इस समाज के लोग निर्माण का काम करते हैं, उत्पादन का काम करते हैं, उस समाज की सारी काफियतें हैं जो जनजात हमको मरे में जानवर की खाद बना देते हैं, उसी से जूता बना देते हैं, उसी से कैट बना देते हैं, उसी से बेल्ट बना देते हैं, उसी से जैकेट बना देते हैं, उसी से पैर बना देते हैं, ये सारी काफियत हमको पहले ही सीखी है। हमें दूसरे के बाप को बाप कहने में कभी खुशी नहीं होनी चाहिए, हमें अपने बाप को गर्व के साथ अपने पिता मानते हुए खुशी होनी चाहिए। यह समझ अगर आ जाए कि जाति ही सारे वजह सारी बीमारी का कारण है और हम लोग भी फिर अपनी जाति को ऊंचा बताने लगे, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ जाति जातिवाद करें, हम लोग खुद मतलब जाति पे अभिमान करने की बात करें, बहुत से लोग कहते हैं हमें अपनी जाति पे गर्व करना चाहिए, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूं भाई कि जाति पे गर्व करना चाहिए, गंदगी पे गर्व कैसे कर लोगे आप, कूड़ा सर पर रख के कहोगे मैं गर्व कर रहा हूँ अच्छा लग रहा है मुझे। अगर दो गिलास पानी आपके सामने रख दिया जाए, एक गिलास पानी साफ है दूसरे में थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए और आपके आपको कहा जाए पीजिए पानी, आप कौन सा गिलास पियोगे, जो साफ गिलास का पानी आप उसे पियोगे, गंदे पानी को आप खुल के नहीं पी सकते। अगर आपके सामने दो गिलास पहले से रखे हैं, एक में हल्की सी मिट्टी मिली है लेकिन देखने से पता नहीं चल रहा और आपको नहीं पता, आप आए बैठे आपको का पानी पियो आप एकदम उठा के पी लोगे, लेकिन अगर आपके आंखों के सामने मिट्टी डाल दी जाए एक गिलास में तो जो साफ है आप उसको पियोगे, गंदे को नहीं पियोगे, और जो जानने के बाद भी गंदे को पी रहा तो उसे पता है इसमें थोड़ा सा जहर मिला हुआ है, आंखों के सामने बता दे इसमें जहर डाल रहा थोड़ा सा, पियोगे क्या, और आप फिर भी जहर को पी रहे तो मरोगे बचोगे, आप खुद सोचो कौन बचाएगा आपको, दुनिया की कोई ताकत है ऐसे आदमी को बचा ले जो खुद ही मरने को तैयार हो। तो सारी बीमारियों का जड़ अगर जाती है तो जाति को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो और समाज को आपस में जोड़ दो। हमारी संख्या इतनी बड़ी है, इस संख्या को ताकत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे साथी नितिन भाई बोल रहे थे कि अगर 1000 वकील भी साथ में खड़े हो जाए तो इसको बदल सकते हैं, तो क्या हम इतने मर गए 1000 वकील खड़े नहीं कर सकते, आप तय करो हम और आप मिलके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें हमने संकल्प किया है, ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था भारत को बौद्ध में करने का, हम तो अपना पूरा जीवन ये कुर्सियां रहे ना रहे जिस पर हम बैठे आज, पर हम अपना पूरा जीवन भारत को बौद्ध में बनाने के बाबा साहब को के सपने को पूरा करने पे लगाएंगे। हमने इस साल अशोक विजय दशमी पे 10,000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलानी है, ये हमने तय किया है, हमारी पूरी टीम है, दर्शक जानते हैं बाकी कुछ लोग जानते हैं। 2023 में हम लोग 1,00,000 लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्धिज्म में घर वापसी करवाएंगे, 2024 में हम 10,00,000 को कराएंगे और 2025 हमने लक्ष्य रखा 10 करोड़ लोगों को कराएंगे। बहुत लोग तरह तरह के सवाल करते हैं और सवाल की परवाह नहीं है, सवाल तो हमारे लोग सुनते ही बड़े हुए हैं और जुर्म भी झेलते हुए पड़े हुए हम तो लड़ते हुए पड़े हुए, स्कूल में भी कॉलेज में भी फिर वकालत में भी, हमारा कोई आदमी ऐसा है जो ऐसी बड़ा हो जाए बिना संघर्ष किए, हर कदम पर संघर्ष है, IAS भी बन जाएगा, IAS टॉपर भी होगा तो कहेंगे कोटे से, तो भाई टॉपर है वो, आप कह रहे हो कोटे से, काबिलियत तो हमारे अंदर कूट कूट के भरी है, हमने हमेशा साबित की है। ज्यादा लंबा भाषण ना देके बाकी मुद्दे पे बाकी लोग बोल देंगे, मैं तो एक आह्वान करना चाहता हूँ आप सबसे, अगर आपको लगता है कि आपको जाति से कोई दिक्कत नहीं है और आप अपनी जाति पे गर्व करना चाहते हैं तो अपनी जाति में बने रहें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इस बात से सहमत हैं कि हमारे लोगों के साथ हजारों साल तक जाति की वजह से जातिगत उत्पीड़न हुआ है,
तो फिर आपको इस बात से भी सहमत हो जाना चाहिए, जब तक जाति बनी रहेगी तब तक जातिगत उत्पीड़न बना रहेगा। और अगर आप इस बात से भी सहमत हैं कि जब तक जातियां बनी रहेंगी तब तक जातिगत उत्पीड़न बना रहेगा, तो आप अगर उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हो तो जातियों को छोड़ दो। और हमारे बुजुर्ग इतिहास बताता है, हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमें धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वज बौद्ध थे, और बौद्ध वो धर्म है जो किसी पुस्तक से नहीं चलता, वो एक विचार के साथ चलता, वे ऑफ लाइफ है, जहां लोगों को सोचने की आजादी है। बुद्ध खुद कह के गए, किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैंने की है, किसी बहुत बड़े विद्वान ने की है, बड़े ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को मानने से पहले उसको परीक्षण करो, उसको तर्क बुद्धि और वेद की कसौटी पर कस के देखो, और उसके बाद आपको लगे ये सही है और सबके लिए कल्याणकारी है तो उस बात को मानो। तो जो हमारे पूर्वजों का धर्म बुद्धिज्म जो सबके कल्याण की भावना रखता है, जो सबके लिए समता स्वतंत्रता बंधुता का भाव रखता है, जो सबके लिए सम्यक दृष्टि रखता है, सम्यक व्यवहार रखता है, मुझे लगता है जितना जल्दी हो सके हमें दूसरे के बाप को बाप कहने में कभी खुशी नहीं होनी चाहिए। हमें अपने बाप को गर्व के साथ अपने पिता मानते खुशी होनी चाहिए। तो जब हमारे पूर्वज बौद्ध थे, और जो अच्छाई वो फैलती है, जो बुराई नहीं फैलती, जिनका धर्म खतरे में वो भारत में ही खतरे में, भारत में ही सिमट रहा है। और हमारा तथागत बुद्ध का धर्म भारत से गया, पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, क्योंकि उसमें अच्छाई है, उसके अंदर सबके लिए समता का भाव है। तो जिसमें सबके कल्याण की भावना हो, जिसमें सबके लिए, जो सबके लिए हितकर है, जो आपको जातिगत उत्पीड़न से बाहर निकाल सकती है, मुझे लगता है आप सबको बीच जातियों को जल्दी से जल्दी छोड़कर अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में, इस बहुमूल्य धरोहर में घर वापसी करनी चाहिए। इसी से हमारा मुक्ति का मार्ग मिलेगा, और इसी से जो जुडिशरी में जो कुछ चल रहा है ना, जो आज जानने और देखने के बाद भी जुडिशरी का जो रोल है, उससे जो हम न्याय की उम्मीद करते हैं, वो न्याय शक्ल देख के मिल रहा है, सबको बराबर न्याय नहीं मिल रहा है। ऊपर से फिर लाखों रुपए पर हियरिंग की फीस कौन दे पाएगा? हमारे आर्मी की है नहीं लाखों रुपए, मतलब मैंने खुद अपने साइन से 11 लाख रुपए फीस दिए, मैंने स्वयं दिए, जो सीनियर काउंसिल हम सरकार की तरफ से खड़े करते हैं, 11 लाख रुपए की फीस मैंने स्वयं दिए। तो ऐसी फीस हमारा आदमी तो बेचारा दे नहीं पाएगा, वो तो चलो सरकार है, सरकार ने दे दी, और जो बड़े बिजनेसमैन है वो तो दे ही रहे, तो हमारे लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? उनके पास तो वकील वैसे भी गिने चुने, जैसे और थोड़े से लोग हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ता है, अपना आदमी दमदार है नहीं, जो निर्णयता से अपनी बात रख दे। दिक्कत यह है कि हमारे ज्यादातर लोग तो अपनी जो क्रीम है समाज की, उन्हें डॉक्टर और सिविल सर्विसेज उधर उधर लगा रहे, ये उन्हें पता ही नहीं सारा लड़ रहे, जब तुम मरोगे पिटोगे वहां, एक IAS भी जब पिटता कहता मुझे कोर्ट में जजमेंट न्याय दिलवाओ, कोई वकील करवाओ, तो अपना वकील दिखता नहीं कोई, और जो है एक भूखा में उन तक फिर वो कई बार पहुंच पाते हैं, कई बार नहीं पहुंच पाते हैं, दूसरे हाथों में खेलते रहते हैं, और कई बार वहाँ इंटेंसली और अनइंटेंसली बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा लंबा भाषण देने के बजाय मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, दो निवेदन हो गए। पहला हो गया अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी करो, दूसरा निवेदन आपका बच्चा अगर एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है तो, बहुत हमारे लोग हर साल रिजर्वेशन की वजह से जज वो बन जाते हैं, सिविल सर्वेंट्स हो जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, अपने जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको वकील बनाओ। हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अच्छे वकील होने चाहिए, जो वहां धाड़ना शुरू करे तो जज भी मजबूर हो जाए सुनने के लिए, और वो क्षमता हमारे पास है, ऐसा नहीं है नहीं है। जिस समाज के लोगों ने भारत का इतिहास लिखा, जिस समाज के लोगों ने पाकिस्तान का संविधान लिखा, जिस समाज के लोग निर्माण का काम करते हैं, उत्पादन का काम करते हैं, उस समाज में सारी काबिलियतें हैं, तो जनजात इंजीनियर हैं। हम तो मरे हुए जानवर की खाल उतार के उसी से जूता बना देते हैं, उसी से कैप बना देते हैं, उसी से कैप बेल्ट बना देते हैं, उसी से जैकेट बना देते हैं, उसी से बैग बना देते हैं, तो ये सारी खाब हम तो पैदा ऐसी सीख लेते हैं, कपड़ा कैसे बुनना हमारे लोग ऐसे सीख जाते हैं। तो अपने अपने जो मुझे लगता है कि हम लोग को अपने जो बेस्ट ब्रेन है उसको एक दो ही क्षेत्र में नहीं लगाना चाहिए, तो बाकी जो क्षेत्र अछूते रह गए जहाँ से न्याय निकलता है वहाँ भी हमें अपना बेस्ट ब्रेन भेजना चाहिए। इस उम्मीद के साथ
और इस निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत।